इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है सुपरसेल आईटी के अंदर, ठीक है, जब आप रजिस्टर करते हो, जब आप लॉगिन करते हो, दोनों टाइम आपसे ये आता है क्योंकि ये पासवर्ड का एक्सेस नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ईमेल डाला, आप ईमेल सबसे पहले चेक कर लीजिएगा जो ईमेल डाल रहे हो आप, एंड लॉगिन पर प्रोसेस किया तो यहाँ से आ गया ए वेरिफिकेशन कोड सेंड टू ईमेल एड्रेस, प्लीज़ एंटर द कोड टू कंटिन्यू। ठीक है, तो ये रिसीव नहीं हो पाता, या तो हमारे जहाँ पर हमें रिसीव होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो है हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, जैसे आपको नहीं पता कि ये रिसीव कहाँ होना है, सबसे पहले मैं रिसीव जगह बता दूंगा आपको कि ये रिसीव कहाँ होता है। मैंने सेटिंग्स कर रखी है हमें रिसीव हो रहा है, और मैंने क्या क्या सेटिंग्स करी थी जिससे कि हमें रिसीव हो रहा है ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे ये वाला पहले अपना ईमेल एड्रेस जो है वो आप अपने फ़ोन में जीमेल में डालकर, गूगल अकाउंट में डालकर उसे रजिस्टर्ड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से बैक ले आइए एंड अपने जीमेल में चले जाइए। ठीक है, इस जीमेल में चले जाइए। तो जैसे ही आप जाएंगे और इसे थोड़ा सा रिफ्रेश मारेंगे तो सुपर सेल की आईडी आपको दिख जाएगी। ठीक है, कोड हमारा आया हुआ है ये रहा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 734489। ठीक है, ये हमारा कोड है, डालते ही हम लॉगिन हो जाएंगे। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि ये यहाँ पर ना आकर स्पैम में चला जाता है। ठीक है, स्पैम में जाने के बाद वो, लेकिन कभी ऐसा हो कि ये आपको रिसीव ही ना हो, ये इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है एंड अपने जीमेल को, ठीक है, जीमेल को अपडेट कर लेना है, सही है, और उसके बाद अपने यहाँ पर क्लैश रॉयल को भी अपडेट कर लेना है। इंटरनेट को यहाँ पर चलता हुआ रहना चाहिए आपका, बंद नहीं रहना चाहिए। फिर आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर जो है आपको फिर जो है अकाउंट एंड स्कैनिंग पर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपका स्कैनिंग दिखाई जाएगी, तो ऑटो स्कैनिंग पर आप इसको लगाए रखिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका अकाउंट जो है स्कैन होता रहे। एंड यहाँ पर जो है आप स्कैनिंग पर तो लगाइएगा ही, बट गूगल को भी यहाँ पर स्कैनिंग पर लगा दीजिएगा। ठीक है, सारे अकाउंट्स को यहाँ पर स्कैनिंग पर आप जो है लगा दीजिएगा, इससे आपका जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अपना गूगल अकाउंट यहाँ से खोलिए और उस अकाउंट को खोल लीजिए एंड यहाँ पर आपको जीमेल मिलेगा, यहाँ से इसको रिफ्रेश मार दीजिए अगर ये दिखाए, फिलहाल तो रिफ्रेश ही है बट रिफ्रेश मार दीजिए। ये जो है लास्ट, जो है लास्ट डेट बहुत करीबी रहनी चाहिए। ठीक है, इतना ही आपको करना है। फिर यहाँ से आप जो है बैक ला दीजिए, यहाँ से बैक ला दीजिए और फिर जाइए ऐप्स में, मैनेज ऐप्स में जाइए, जीमेल को यहाँ पर सर्च करिए। ठीक है, और जीमेल को सर्च करने के बाद यहाँ से रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज नहीं लगा रहना चाहिए इसका, वरना आपको मेल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसको स्टार्ट ही रहने देना है। ऐप परमिशंस पे इसकी सारी परमिशंस अलाउ कर देनी है। ठीक है, इतना ही आपको कुछ करना है, बस आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी एंड जो जीमेल आपको आना होगा वो आपको आते रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका सिंपल सा। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।